जा रहा है, कार्तिक जा रहा है, रिया जा रही है, नव्या मुस्कान सब जा रहे हैं आज। आओ नव्या दीदी के, चलो पकड़ो मिल्क, पकड़ो जल्दी, नानू के साथ जाना तो पियो जल्दी जल्दी पकड़। रो रही है मामू, आ गए मामू, रामतुला बजा दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अपने मायके में हूँ। पिछला वाला ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा हुआ, इनके मामा के यहाँ से आके हम लोग इधर आ गए थे, मतलब मैं अपने मायके आ गई हूँ। और अभी नेक्स्ट डे है और मैं अभी बच्चे सारे चले गए हैं जहाँ पे वो रहते हैं, बच्चे और दादी रहते हैं, मतलब यहाँ पे मम्मी और पापा ओनली रहते हैं पढ़ने के लिए। सो वो लोग चले गए हैं वहाँ पे और मैं थोड़ा सा इधर आई हुई थी आंवले लेने के लिए, क्योंकि मेरा ना चटनी खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है आंवले की। सो टोरी लेके आई हुई है, इसमें लेके जाऊंगी बहुत सारे आंवले बीन के लेके। और चलिए पहले आंवले बीन लेते हैं एंड उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो ब्लॉग में बने रहिए एंड तक और आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आंवले दिखाती हूँ, इतने सारे आंवले डले हुए हैं ना, आंवले का सीज़न आ गया है तो मैं सोच रही हूँ मुरब्बा भी बनाऊँगी मैं। और अभी तो मैं थोड़े से आंवले लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे चटनी खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। आंवले देखो कितने सारे डले हुए हैं, सारे मैं बीन लेती हूँ पहले। इतने सारे आंवले डले हैं, इसमें से कुछ तो ख़राब होंगे बट जो अच्छे होंगे ना वो मैं उठा लेती हूँ यहाँ से। इतने सारे आंवले मिल गए हैं, मैंने ना नीचे से बीन लिए हैं, जितने नीचे पड़े हुए थे तो कुछ में ना दाग लग गए हैं, कुछ थोड़े पुराने होंगे ना इसीलिए। तो इतने सारे आंवले मिल गए हैं, इसकी हम बनाएंगे चटनी एंड उसके बाद हम चटनी खाएंगे। और ये पीछे ना खेत आप लोगों को खाली दिख रहे होंगे क्योंकि इसमें मूँगफली वो रखी थी ना, तो मूँगफली सारी उखड़ गई है। ये लगे हुए हैं गन्ने और गन्ने के साइड में ये जो खेत दिख रहा है ना, इसमें धान बोई हुई है। अब धान की कटाई होगी क्योंकि धान अब आ गई है। यहाँ पे ये गन्ने लगे हुए हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। ये देखो हौदी भरी हुई है नहाने के लिए, ये मूँगफली धुल के डाली हुई है, तो ये मूँगफली तली हुई है सूखने के लिए। इतना सारा बिस्किट खाया जाता है। ये देखो कपड़े धुल रहे हैं, काम चल रहा है जगह जगह। सोनम की पूरी रंगोली मिट गई, बाबू की मूंगफली भर रही है ऐसे। अरे लग जाएगी उससे, ये देख काम और फैला रहा है, नानू ने समेट दी है वो। बन गए चावल, मम्मी बना चावल पसा रही है, मार निकाल रही है। ये देखो सबके उठते चले आ रहे हैं, इधर इधर काम भी चल रहा है। भाभी ने इतने पता है आधे से ज्यादा मूंगफली भर दी है, पूरा वो भर दिया छपरा। आप सो के उठ के आ रहे हो, मनीष की देखो कैसे भर रही है मूंगफली। ये देखो ये कुछ रेड रेड मिट्टी में लगी होंगी ना, रेड रेड हो रही है, ये काली मिट्टी वाली है ना तो ये काली हो रही है। तो ये सारी ना धो धो कर डाली हुई थी, इनमें मिट्टी लगी हुई थी, ये सूख गई है। अब इनको वहाँ पे छपरा में डालना है। शाबाश, उठवाऊं तो उठा लेगा, उठवाऊं। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा काम मैं भी कर लेती हूँ। सो नाश्ते में यहाँ पे वैसे तो खाना बन गया है बट नाश्ते में मैं थोड़ा सा ये चावल बनाए हुए हैं ना गरम गरम, तो इनको फ्राई कर लेती हूँ तो ये नाश्ते के लिए हो जाएंगे। कढ़ी बना रही हैं बड़ी मम्मी और बाकी बच्चे गए हुए थे तो रोटी वगैरह और उनको सब्जी वगैरह सब पैक करके भेज दिया। दादी भी चली गई हैं और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। सो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, नाश्ता किया मतलब चावल को फ्राई कर रही हूँ, तो नमकीन चावल बन रहे हैं हमारे, इनको बना लेती हूँ। मौसी ने बनाई थी वो, बताना नहीं। हाँ। क्या हुआ? चावल बना रहे हैं आपके लिए। बताओ क्या? क्यों? आज तो पोहा का लगता पोहा। पोहा पोहा ही जैसा तो बनाएंगे, बस थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और कुछ नहीं। अगर हल्दी पहले डाल दो ना तो ऑयल में भी तो अभी अच्छा वो कलर आ जाता है। तो पहले डालते हैं, पहले नहीं मतलब ऑयल गर्म होने के बाद थोड़ा सही में ना कलर छोड़ देती है हल्दी, ऑयल में डाल दो तो बाद में अगर डालेंगे तो ज़्यादा डालनी पड़ती है। ये देखो बस अब इसके बाद हम चावल ऐड कर देंगे और ये रखा है हमारा नमक और नमक डाल देंगे।
बाबू तू मेरी रंगोली खराब कर रहा है, मैंने इतनी मेहनत से बनाई। अरे मामा ने इसको इसका रंग कर दिया था। ओ ओ सारी खराब हो गई। हमारे घर में ना मछली आ गई टंकी में, कोई इनको बॉटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तीन मछली है ये देखो। नहीं अंदर अंदर जाओ अंदर डाल। ओए फिर छत पर जाएगी बाबू। एक उसको पकड़ो उल्टी उल्टी करो। चल दिखाना जरा। अरे हटा वो नहीं जाना मत अभी भी बाबू को नया खिलौना मिल गया। दिखाना बाबू। बाबू तुझे नहीं पता यार बच्चे बाबू उनको भूख लगी। एक कचड़ा नहीं खाती। आटा आटा डाल दो उसको। हाँ ऐसे डाल दो उसको। हाँ बस अब बस मच्छरान तो आती है मछली है तो। मम्मा मेरी मौसी के बाल काट लिए देखो। और उपास है बिगड़ गए वो। हेयर कट हो गया है। कहाँ कटे चौकन कैसे कटे? तो चौका ने तो नहीं काट दिए। हाँ वो बाल क्लेचर लगाए हैं इसीलिए। अच्छा ये देखो मम्मी और क्या काम कर रही हैं। ये जो है ना ये इसमें जो है ना सिटियाँ है ना लकड़ी ये इनको अलग कर रही हैं बीन रही हैं। ये मेरी भाभी का मावा बनते हुए। और ये मावा कहाँ जाना है भाभी? ये मावा जाना है नैना साहिबा के लिए। मावा टाल रही है एक्चुअली में। ये मावा हमारी बड़ी दीदी के लिए जा रहा है इंदौर। भाभी टाल रही है इतने प्यार से पूरा कढ़ाई भरा हुआ था। यम्मी लग रहा है। और भाभी को कब एटलीस्ट इसमें है ना 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं इसको बनाते बनाते। और इसका टेस्ट कोई और चखेगा है कि नहीं? मेहनत कोई और करे फल कोई और ले जाए ऐसा है। भाभी ने 2-2.5 घंटे और यहाँ पे भाभी बोर ना हो इसलिए भाभी के एंटरटेनमेंट के लिए देखिए बड़ी माँ बड़े भैया और मेरी दीदी एंड मैं भी।